नमस्कार साथियों, विद्या मंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। जो यूपीपीएससी ने लेक्चरर पॉलिटेक्निक के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2014-15 इंटरव्यू कंडक्ट कराए थे, जिनका रिजल्ट्स भी आ गया था। रिजल्ट के बाद उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस, मेडिकल प्रोसेस, पीवीआर, ये सारी चीजें चल रही, उनके मार्कशीट रिलीज किया है और रिलीज करने का नोटिस देखिए यहाँ पे जारी हुआ है। नोटिस रिगार्डिंग द कट ऑफ ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2014-15 12, ठीक है। तो ये टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो यूपीपीएससी है, उनके कट ऑफ मार्क, जो उनका डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन हुआ था, अगर मैं इस पे क्लिक करके देखता हूँ तो ये देखिए नोटिस आई है। ये कल शाम का नोटिस है, 29 जुलाई 2022, कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। और जो लखनलाल सिवरे जी हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट से सारी चीजें ये देखते हैं। देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट संबंधित अंतर्गत विज्ञापित पद जिनका विवरण निम्नलिखित है, यूपी वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर मशीन शॉप, एस विभाग संख्या S12/38, यूपी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग S12/4, लेक्चरर कंप्यूटर S12/5, वर्कशॉप इंस्ट्रक्शन लॉ कला S12/29, ये विभाग संख्या है। साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे 30 जुलाई से 5 अगस्त तक। अतः अभ्यर्थीगण अपने अनुक्रमान एवं जन्मतिथि के आधार पर प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक प्राप्त कर सकते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने साथ साथ ये बात भी लिखी है कि इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि डायरेक्ट भर्तियों के परिणाम के संबंध में सूचना का अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगी, न ही उन पर विचार किया जाएगा। तो मेरा उन सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जो कैंडिडेट अभी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, लेक्चरर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की इन विभागों की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इस इंटरव्यू में एग्जाम दिया है, चाहे वो उनका चयन हुआ है चाहे नया चयन हुआ है, एटलीस्ट जाके अपने मार्क्स जरूर देख लें, जिससे ये पता चलता है कि उनकी क्षमता का अवलोकन आयोग ने किस पैरामीटर पे किया है। देखिए, सभी का इंटरव्यू कैसा हुआ है ये सिर्फ कैंडिडेट जानता है। इंटरव्यू किस बोर्ड में पड़ा था, कैसे सवाल पूछे गए थे, क्या क्या कंडीशनल क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, आयोग ने कैसे 100 मार्क्स का इंटरव्यू था, कैसे मार्क्स दिए, ये सारी चीजें आपको पता थी। तो एटलीस्ट आपको जो पता चलता है ना, तो मन में वो चीजें रहती है कि नहीं यार, देखिए मेरा चयन हुआ है और मैंने कटाप से इतने ज्यादा नंबर मिले, मेरा चयन नहीं हुआ, कटाप से इतने कम नंबर मुझे मिले, तो आपको वो पैरामीटर्स पता रहेंगे। बिकॉज अगर आप टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की आज तैयारी कर रहे हैं, आपने इंटरव्यू दिया, यूपीपीएससी के जो डिफरेंट पैनल थे उनके थ्रू होके गए, कल के आप यूपीपीसीएस का भी एग्जाम दे सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और डिपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, तो वहां आपको पता चल जाएगा, सेम पैनल होगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू वहां भी होगा, बट टेक्निकल जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो अलग होंगे, लेकिन बोर्ड मेंबर इसी तरह से होंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या गलतियां हमने की थी वहां पे इंटरव्यू में, जो हमें कटाप से कम नंबर मिले, या आपका चयन हो गया तो हमने कैसा परफॉर्म किया था तो हमें इतने नंबर मिले। तो ये सारी चीजों का अवलोकन आपको जरूर करना चाहिए। आई रिपीट अगेन कि आरटीआई से आपको नंबर नहीं मिलेंगे फ्यूचर में, इन्हीं 5 दिन 6 दिन में आप जो भी आप देख सकते हैं अपने नंबर देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, इस नोटिस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ शेयर करिए, जिन लोगों ने ये एग्जाम दिया था, ठीक है, इंटरव्यू दिया था, ठीक है। थैंक यू, विद्या मंत्र चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप विद्या मंत्र चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे चैनल पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं हम आपको शेयर करते हैं डायरेक्ट अपने चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मन में ये बात जरूर बना के रखिएगा, अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी लक्ष्य की तैयारी कर रहे हो तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, बट आपको क्या करना है कि अपनी प्रिपरेशन की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। इस चीज को अपने माइंड में सेटअप करके रखिए, एक दिन जरूर सबको सफलता मिलती है, ठीक है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ विद्या मंत्रा टीम, वी विशिंग यू ऑल द बेस्ट।
फॉर योर ऑल सक्सेस इन कमिंग एग्जामिनेशन, कमिंग रिक्रूटमेंट्स. ओके, थैंक यू.